मेहनत करते हैं इधर आपको देखने आते हैं और आप लोग 2000 रुपया पर आया 10 पहला मेनू ऐसी केड़े कम आया 2000 खाते टिप 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 खेल रहे हैं ये कोई गेम तो नहीं है ना उधर जब इनके मुंह पे बॉन्स बजेंगे ना वो आप ही आउट हो के बाहर आए उन्होंने आपको इतना मारा है आप इसके हकदार हैं 2000 रुपया पर आया 10 पहला मेनू ऐसी केड़े कम आया 2000 केड़े खाते ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਬਾਵਲਪੁਰ ਆਏ ਆ 1500 ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗੀ ਏ 2000 ਦੀ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ ਟਿਕਟ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਾ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਖੜਾਓ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣ उधर जब इनके मुंह पे बॉन्स बजेंगे ना वो आप ही आउट हो के बाहर आए उनके यार ये क्या है वो हम लोग कौन है जो इतने पैसे भर के ब्लैक में आए हैं या जो भी है हराम के पैसे है मेहनत करते हैं इधर आपको देखने आते हैं और आप लोग बाबर साहब को चाहिए खुदा का वास्ता कप्तानी छोड़ दे उसको नहीं पता मैंने बाल किधर कराना और मैंने फिल्टर किधर लेना है आपको तमीज ही नहीं है वो लोग पागल है गोरे जब खेलते हैं मैं कहता हूँ उनका फोकस ही उधर होता है बाल इधर करा रहा है फिल्टर भी उधर है छे उसने फिल्टर लिए हैं आप लोगों को पता ही नहीं मैंने बाल कहाँ कराना है फिल्टर कहाँ लेना है आपको खुदा का वास्ता कप्तानी से जान छुड़वाएं अपनी फोकस रखें बैटिंग पे अगर आपने जीतना है 140 स्कोर चाहिए 8 ओवर है और ये सिंगल सिंगल निकाल रहे हैं ये क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड को देखे कैसे क्रिकेट खेली उन्होंने कुछ समझ ही नहीं आ रही इनको इतनी अच्छी अच्छी क्रिकेट इनकी पावर प्ले में तो हिटिंग चाहिए होती थी ये सीधे सीधे लेके कैच कर रहे हैं ये क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे पागल करके रखा हुआ पूरी आवाम को इन्होंने कोई साथ नहीं दे रहा वसीम जूनियर आता है वो 50 खा के चला जाता है यार 50 कर भी तो सही ना साथ कोई बहुत दुख हो रहा है ये देखे ना ये कोई गेम है टिप 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 खेल रहे हैं ये कोई गेम तो नहीं है ना कोई टिंग मारे इतना बड़ा स्कोर है इनको चाहिए कि शुरू से जरा थोड़ा सा टेम्परामेंट बना के खेले ना बात ये है ये इस टीम के साथ नहीं जीत सकते शेयर मतलब तो खिलाना चाहिए आप सोचे भी ना कि वर्ल्ड कप जीते ये टीम यार कप्तान की टीम है ना जो कप्तान की टीम है ना वही हमारी टीम है बेफिक्र हो जाए सारी उम्र ये PSL खेल रहे हैं इधर 10 साल से PSL खेल रहे हैं पता नहीं कि अपने बाल कहाँ कराना है 17 साल बाद टीम इंग्लैंड यहाँ पे आई है और दूसरा देखें 17 साल बाद उन्होंने यहाँ पाकिस्तान आकर खेला और इनका होम ग्राउंड में वो प्लेयर आए हैं जो नया एक भी नया प्लेयर नहीं है सारे नए प्लेयर हैं उनको पता ही नहीं है चार बंदे PSL खेल के गए हैं उन्होंने इनकी आई तई फेर दी है इन्होंने कहा ताड़ी ऐसी थी तैसी इन्होंने बाल उठे कराओ सानू पता सी इन्होंने कितने देना भाई हेल्स आपका PSL पूरा खेला है इधर सुकून से खेला है वैली खेल है आपका और इसमें साल्ट भी आई थिंक खेल के गया भाई मेरे वो देखते हैं वो टीवी सारा दिन हम क्या करते हैं हम ना प्रैक्टिस करते हैं कोहली 14 घंटे की प्रैक्टिस करता है आपको पता है ना उधर गोटे किट्टे फाड़ लेंगे अपने हैं इन्हें ना शुगर नहीं पूरा होता वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही है बेकार तरीन टीम भाई इनको शुएब मलिक इनको चाहिए शर्जील इनको चाहिए हमाद वसीम खुदा का वास्ता है तीन पालो खुश दिल चाह तो इफ्तिखार नु बाहर कर लो फखर जमान को रिजर्व से निकालें उसको मौका दें क्योंकि वो तेज पिछे है उसमें खेलेगा वो ये लोगों को क्यों नहीं समझ आता सारा दिन कारोबार छोड़ के मेरा गाड़ियों का काम है मेरा मैं वो तबाह कर दिया मैं कहा भाई नहीं काम होना मैं मैच देखने जा रहा हूँ 10वीं ओवर में बाहर आ गए हम यार 11वीं 12वीं ओवर में पिछले मैच में मैं 7वीं ओवर में बाहर था और लोग लानते डाल रहे थे गया मैच चढ़ाया ही हो गया ही मैच चढ़ा रहे हैं यार खुदा का वास्ता 10,000 रुपया लग गया हमारा 2 दिन में क्या कमा रहे हम मुल्की हालात देख ले आप हाउसफुल करवा के आपने मैच हड़वा दिया फाइनल आप पिछला मैच तो ऐसे हारे हो जैसे आपने सोचा कि हम अगला जीत जाएंगे उन्होंने आपको इतना मारा है आप इसके हकदार हैं आपका शुएब मलिक बाहर है आपका शर्जील खान बाहर है आपका हमार वसीम बाहर है आपने पर्चियां रखी हुई हैं आपने टैलेंट बाहर रखा हुआ है आपने ऑस्ट्रेलिया के पिचों में जाके बॉन्स खाने हैं उनके मुंह पे जाके आपको नहीं पता इतना बड़ा टूर्नामेंट है आज रात आपने फ्लाई करना न्यूजीलैंड के लिए और आप ये थकी टीम गंदी टीम लेके जा रहे हैं और बाबर 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 को सर पे बिठा लिया हुआ है हम लोगों ने क्या बाबर 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 ठीक है बस ठीक है चलता है उसको चाहिए वर्ल्ड वो ना आपकी मेहरबानी है इससे अच्छा शुएब मलिक को आप कप्तान बना लो वो थोड़ा सा बाबा क्या बन गया आपने उसको बाहर फेंक दिया आपने फखर जमान को रिजर्व में रख लिया है आसफ अली पे फोकस रख रहे हैं आप आसफ अली के सिफारिश को ही नहीं उस पर फोकस ही नहीं करता।